जी किया आप लोगों ने क्वेश्चन जो दिया था, अच्छी बात है। बाकी सब लोगों ने किया? अच्छा बाकी सब लोग क्लास में मौजूद हैं चार लोगों के अलावा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सॉल्यूशन हो गया? मैं आपको समझा देता हूँ इसका सॉल्यूशन, ठीक है? ये देखिएगा, सबसे पहले फोर इधर आ गया, मैक्सिमम नोट पे खड़े में, तो ये कंपेयर होगा इससे अगली से। ये देखें, जैसे ही फोर की वैल्यू कंफर्म हो गई, क्योंकि फोर थ्री से बड़ा है, तो फोर यहाँ पर कंफर्म हो गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है? ये ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद अब ये सिक्स को यहाँ कंपेयर करेगा, ये सिक्स को कंपेयर करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्स, और ये कंफर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टू इससे छोटा है, सही है? अब मिनिमम मैक्सिमम से बड़ा है, तो ये देखें यहाँ पर सिक्स आ गया, और ये आ गया किसके साथ? ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ। अब बताएं क्या फोर और सिक्स की कंडीशन ट्रू हो रही है? क्या फोर और सिक्स की कंडीशन ट्रू हो रही है? तो ये नोट चेक नहीं होगी, ऐसा ही किया है, ठीक है? अब ये फोर इक्वल टू हो जाएगा, ये सिक्स भी इक्वल टू हो जाएगा, ये फोर ऊपर चला जाएगा यहां पर ग्रेटर देन के साइन के साथ, ठीक है सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसके बाद ये टू चेक होगा, दोनों मैक्सिमम है तो कंपेयर नहीं होंगे, ये टू और वन में से टू यहाँ पर इक्वल टू जाएगा, और ये टू इधर चला जाएगा, ये टू इधर जाएगा लेस देन इक्वल टू टू के साथ। तो बताएं कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं हो रही? क्या फोर इस वक्त टू से बड़ा है? कहाँ पर नहीं किया शामीर, क्या कह रहे हो? फर्स्ट फोर कर दिया ना, फोर और थ्री को कंपेयर करके फोर को कर दिया इक्वल टू, किया है ना? ये किया है। अभी एंड में जब मैं इनकी स्लाइड में दिखाऊंगा तो समझ। अब फोर और टू कंपेयर हो रहा है, फोर टू से बड़ा है, तो ये नोट भी चेक नहीं होगी, और ये नोट भी चेक नहीं होगी, और ये इक्वल टू टू के बराबर हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। अब यहां से फाइव इधर आएगा, फाइव और फोर अपडेट नहीं होगा, इक्वल टू के बराबर हो जाएगा फाइव, और ये फाइव यहाँ आ जाएगा लेस देन के साथ, और कंडीशन इस वक्त ट्रू नहीं हो रही, ठीक है? कंडीशन इस वक्त ट्रू नहीं हो रही, इस वक्त फोर जो है वो फाइव से छोटा है, जबकि बड़ा होना चाहिए था, ऐसा ही है? तो हमें मजीद नोट चेक करनी पड़ेंगी, सही है? क्लियर हो रही है बात? हमेशा थोड़ी है कि कंडीशन ट्रू होगी, तो अब कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो रही, तो अब आप क्या करेंगे? आप सेवन को चेक करेंगे, सेवन आपने चेक किया, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ। अब बताएं क्या इस वक्त कंडीशन ट्रू हो रही है फाइव और सेवन की? हो रही है, तो ये नोट चेक नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ रहता है इसमें? क्या इसमें कुछ रहता है? कुछ रहता है या खत्म हो गया? मैक्सिमम सेवन तो खैर नहीं आएगा, इन दोनों में से सेवन ऊपर आ गया ना, आप फाइव और सेवन में से क्या गया फाइव, इससे इसको कंपेयर करें, देखें मैक्सिमम सेवन नहीं आएगा था कि आपने शायद लेट ज्वाइन किया, ये फाइव और सेवन को कंपेयर करें, एक मिनट, फाइव और सेवन को कंपेयर करें, तो यहां पर मिनिमम फाइव हो गया, और अब इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ फाइव आ जाएगा, सही है? तो ये इसका सॉल्यूशन है, देखें कितनी जल्दी ये सवाल हो गया, मतलब अगर हमें समझ में आ रहा हो तो। ये देखें मैं इसका सॉल्यूशन इसकी स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, सही है?
ये नोट्स हैं जो चेक नहीं की गई. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई सवाल है यहां तक? कोई क्वेश्चन है? ये देखिएगा, ये दूसरा आपका सवाल है. होपफुली ये किया होगा या नहीं किया होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं भी किया तो इसको देख लेते हैं. ये थोड़ा सा एक कंप्लीट और लेंथी क्वेश्चन है. तो ये देखें, सबसे पहले आपने जीरो और जीरो को अपडेट किया, जीरो यहाँ आ जाएगा, और जीरो को जब फाइव से कंपेयर करेंगे तो जीरो यहाँ आएगा. तो पहली आइटरेशन के बाद तो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पर जीरो आ जाएगा. चलो, उन्होंने लेस देन इक्वल टू करके नहीं किया हुआ, सिर्फ कलर किए हैं रेड और ग्रीन, तो वो कोई मसला नहीं है. ये जीरो और फाइव को जब चेक किया तो जीरो वेरीफाई हो गया, जीरो यहाँ पर आ गया. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जहां प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जी, अब हमने क्या किया, माइनस थ्री को ऊपर लेके गए, माइनस थ्री और थ्री में माइनस थ्री बढ़ा, ये देखें. लेकिन पहले माइनस थ्री को लेके गए, अब बताएं कंडीशन ट्रू हो रही है नहीं हो रही? अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपने क्या किया, जिस नीचे वाली चाइल्ड नोड की बराबर वाली नोड को चेक नहीं करेंगे, जितनी भी नोड होगी उनको चेक नहीं करेंगे. तो ये डिलीट कर दिया, इन्होंने डिलीट ऐसे किया हुआ है कि इन्होंने ब्लू कलर किया. ठीक है, अब ये वेरीफाई हो गई, ये वेरीफाई हो गई, ये ऊपर चली गई थी. ठीक है, तो अब इसके ये वैल्यू वेरीफाई हो गई तो ऊपर चली जाएगी. ठीक है, ये ऊपर चली गई. अब नीचे आएंगे वापस और थ्री को ऊपर लेके जाएंगे, थ्री ऊपर चला गया और थ्री के साथ कोई नहीं है तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, डायरेक्ट थ्री ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो थ्री ऊपर चला गया है. देखो, अब जीरो और थ्री कंपेयर हो रहे हैं और कंडीशन भी ट्रू हो रही है. अब जीरो और थ्री कंपेयर हो रहे हैं और कंडीशन भी ट्रू हो रही है. तो जीरो और थ्री कंपेयर हुए और कंडीशन ट्रू हो गई, तो थ्री के जो मजीद चाइल्ड है वो चेक नहीं होंगे. सही है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? सबसे पूछ रहा हूं. अच्छा जी, फिर ये इसके इसका इसकी नोड वेरीफाई हो गई, ऊपर चली गई क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है मजीद, तो ऊपर चली गई. अब यहां आ गए, अब यहां हम खड़े हैं मिनिमम पे, नीचे है मिनिमम, तो मिनिमम मिनिमम से कंपेयर नहीं होता. ये देखें, फाइव आ गया इधर, इसको अपडेट करेंगे, टू से टू इधर आ गया और ये टू इधर चला गया. अब जीरो और टू कंपेयर हो रहे हैं, जीरो और टू कंपेयर हो रहे हैं, तो बताइए कंडीशन ट्रू हो रही है? बिल्कुल हो रही है, ये चाइल्ड चेक नहीं होगा इसका और ये टू ऊपर चला गया, यहाँ तक आ गया. अब बताएं क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये पूरी नोट चेक नहीं होगी, ये भी चेक नहीं हुई और यहाँ तक हम पहुंच गए. तो मुझे बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? किसी का कोई भी सवाल है यहाँ पर? जी जी, मैं दे दूंगा. मैंने अभी इसलिए नहीं बताया था आप लोगों को कि पहले आप लोग खुद सॉल्व करें, फिर मैं दूंगा. कोई सवाल है यहाँ तक बेटा, किसी और का? कोई यहाँ तक जितना हमने कर लिया है? बेटा अगर मिनिमम ऊपर है तो मिनिमम मैक्सिमम से कंपेयर होगा, अगर मैक्सिमम ऊपर है तो मैक्सिमम से मिनिमम से कंपेयर होगा, और जो ऊपर होगा उसके साथ इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा. मैक्सिमम होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू, मिनिमम होगा तो लेस देन इक्वल टू. बेटा मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो स्लाइड आगे पीछे कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसमें तो जल्दी होगा ही, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो आइडियल टाइम ये होता है कि इसको सिर्फ डिजाइन करना होता है आपने,
अगर आप इसको सिर्फ डिजाइन कर लेना, मतलब ये कि डायग्राम में आपसे बोलूं कॉपी में बनाए, तो आपको डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खैर, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइव आ गया, सबसे ऊपर है मैक्सिमम, तो ये फाइव यहाँ पर आ गया। कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं हो रही। कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो अगेन हमेशा ये बात याद भी रखिएगा कि जरूरी नहीं है हमेशा कंडीशन ट्रू हो रही हो। यहाँ पर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो हमने क्या किया, हमने फर्दर क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया और ये वन ऊपर चला गया, वन इधर आ गया। कंडीशन लगानी ही नहीं है अभी, क्योंकि दोनों मैक्सिमम है। अब ये मैक्सिमम इस मिनिमम से कंपेयर हो रहा है और ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसके साथ वाली नोट चेक नहीं होगी और ये वन वन ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ तक चला गया है। अब नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं कि क्या है ये मैक्सिमम है, यहाँ पर क्या मिनिमम। अगर फर्ज कर लें इन दोनों के लेवल्स अलग होते तो फिर हम कंडीशन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ दोनों सेम लेवल पे हैं, दोनों मैक्सिमम पे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। और हमने यहाँ फाइव को चेक किया, वन फाइव से कंपेयर हो रहा है, वन फाइव से कंपेयर हो रहा है, सही है। वन फाइव से भी कंपेयर हो रहा है माइनस फाइव से, और जीरो से भी हो रहा है। वन जो है माइनस फाइव से भी हो रहा है, जीरो से, किसी से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। हो गया कि फाइव ऊपर चला गया, माइनस फाइव, अभी देखें ये इससे कंपेयर हो रहा है, हो रहा है बिल्कुल, इसको डिलीट कर दें। और फिर ये वन इधर चला गया, ये जरा देख लीजिएगा इधर, ये वन इधर चला गया, जैसे ही वन इधर गया ये वन इधर गया, तो ये वन इधर चला गया, जैसे ही वन इधर गया तो इसने इसको इससे क्या किया, अपडेट कर दिया। क्यों, ये देखें, ये वन इधर चला गया, मिनिमम जीरो और वन, तो मैक्सिमम वन ऊपर चला गया। ये स्टेप देख लीजिएगा जरा, ये देखें, और बस ये सब चेक होगा, तो ये तमाम नोट्स क्या हो गई, प्रून हो गई। तो कोई सवाल यहां तक हो तो बिल्कुल पूछ लीजिए। कोई भी सवाल हो यहां तक? अच्छा जी, क्लियर हो गया ये। अच्छा ये वही वाला सवाल है जो हमने किया था ना, ये वाला। अब इसमें भी ना थोड़ी बहुत एनहेंसमेंट हो सकती है, लेकिन वो एनहेंसमेंट जब हो सकती है जब आपके पास तमाम नोड्स की वैल्यूज पहले से गिवन हो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम तो रैंडम ऑन कर रहे होते हैं नोड्स को, मतलब फर्स्ट करें ये मिनिमम की नोड है वाली, इसके तीन चाइल्ड हैं, फोर थ्री फाइव, हमें नहीं पता लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा आ रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको इस तरह से अरेंज कर देना, स्क्रीन पे देखिएगा, इस तरह से अरेंज कर दें कि मिनिमम अगर नोड है सबसे पहले वाली, तो लेफ्ट मोस्ट जो मिनिमम हो, मतलब देखें इस डेटा को देखें, टू थ्री फोर लिखा हुआ, थ्री फोर फाइव लिखा हुआ, ये ऑर्डर में है नोट के हिसाब से, ये जो पहले वाला डेटा था ऑर्डर में नहीं था। अगर इस तरह से हो जाए तो मजीद नोट जो है वो, अगर हमें ऐसा केस मिल जाए तो मजीद नोट प्रून हो सकती है। ये देखिएगा, अल्फा बीटा प्रूनिंग ही लगा रहा हूं, लेकिन क्या कर रहा हूं, अब जो डेटा सेट है, मतलब जो हमारे पास ट्री है, वो हमारे पास ऐसे अरेंज हुई हुई है कि मिनिमम के रिस्पेक्ट से हुई हुई है कि उसके जो चाइल्ड है लेफ्ट मोस्ट साइड पे जो चाइल्ड है वो मिनिमम है। अगर मैं इस पे अप्लाई करूं तो ये देखें, टू हो गया, टू ऊपर चला गया, ये टू ऊपर चला गया, सही है। अब ये देखें, थ्री हुआ, मैं सिर्फ आपको ये दो आपको पता ही है सारी बात, ये देखें। अब सिर्फ आठ नोट चेक किए मैंने, पहले 17 चेक नहीं की थी, अब मैंने तकरीबन 19 चेक नहीं की, दो चार छः, दो आठ, दो दस, हाँ तकरीबन 19 चेक नहीं की। तो अगर ये अरेंज हो जाए ना, बेस्ट केस वो है कि जब आपको लेफ्ट हैंड साइड से ऑर्डर में मिल जाएंगे, तो आपको फिर और ज्यादा नोड जो हैं वो प्रून हो सकती हैं। लेकिन ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर मिनिमम हो। अगर आपका ये पहला चाइल्ड मैक्सिमम है तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आइडिया हो जो मैंने बात समझाने की कोशिश की है? कोई सवाल यहां तक?
ये देखें 19 सेव हो गई। अच्छा भाई ये देखें, ये मिन मैक्स को अगर आप 3 प्लेयर के लिए अप्लाई करें तो क्या होता है? अब जाहिर सी बात है 3 प्लेयर हैं तो हर नोड पे 3 वैल्यूज होंगी। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हर प्लेयर के रिस्पेक्ट से ह्यूरिस्टिक कैलकुलेट हुआ। पहले क्या हो रहा था, 2 प्लेयर थे तो हमने माइनस कर दिया था, अब हम माइनस नहीं कर रहे, हमारे पास हर प्लेयर का कोई ना कोई ह्यूरिस्टिक होगा। तो ये सबसे नीचे जो लिखा है 1 2 3, इसका मतलब प्लेयर 1 का जो ह्यूरिस्टिक 1 है, प्लेयर 2 का 2 है और प्लेयर 3 का 3 है। फिर इधर लिखा हुआ है प्लेयर 1 का 4, प्लेयर 2 का 2 और प्लेयर 3 का 1 एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ में आई सबसे नीचे वाली? क्या हर प्लेयर का एक ह्यूरिस्टिक होगा? हर प्लेयर का एक ह्यूरिस्टिक होगा। अब कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हुआ माइनस करने के लिए, डायरेक्ट ह्यूरिस्टिक कैलकुलेट किया हुआ है। तो प्लेयर 1 का सबसे पहले वाला ह्यूरिस्टिक है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, या -1 या 7 या 5, इस तरीके से। समझ में आ गई ये बात? और जाहिर सी बात है जब 3 प्लेयर्स हैं तो हर प्लेयर की बारी 3 लेवल बाद आया करेगी, ऐसे ही है, हर प्लेयर की बारी 3 लेवल बाद आएगी, इज इट राइट? इज इट क्लियर? तो पर ये देखें जरा, ये देखिएगा, अब वो डिपेंड करता है पहले किस प्लेयर की बारी है, फिर कौन से प्लेयर की बारी है। तो उन्होंने कहा प्लेयर 3। अब मुझे बताएं प्लेयर 3 की जब बारी होगी ना, तो प्लेयर 3 ये देखेगा कि बाकियों को इग्नोर कर देगा, बोलेगा यार मेरे पास ये 2 बोर्ड हैं, इसमें इन दोनों बोर्ड में से या दोनों स्टेट्स में से मेरी वैल्यू किसमें ज्यादा है? अगर मैक्सिमम पे काम कर रहा होगा तो किसमें ज्यादा है? 1 2 3 में। तो ये 1 2 3 को चूज कर लेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लेयर 3 सिर्फ अपनी दोनों वैल्यूज को देखेगा, मतलब अपने जितनी भी स्टेट्स होंगी उसमें अपनी वैल्यू को देखेगा, बाकी वैल्यूज को नहीं देखेगा। तो प्लेयर 3 क्या करेगा, प्लेयर 3 इस वक्त इन दोनों में से इस नोड को चूज कर लेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि कौन सी नोड चूज हो रही है? थर्ड के हिसाब से चूज हो रही है क्योंकि प्लेयर 3 की बारी है। नो मैटर व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ अदर 2, वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो 3 और 1 में से 3 बढ़ा है, 2 और -1 में 2 बढ़ा है, -1 और 2 में से 2 बढ़ा है, एंड -1 और 5 में से 5 बढ़ा है। इज इट क्लियर? तो अब आपको आइडिया हो गया होगा आगे क्या होगा। मिन मैक्स का नहीं पता चलता है इसमें 3 प्लेयर में, फिर सिर्फ मैक्सिमम होती है, हर कोई अपनी वैल्यू को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है। मल्टीप्लेयर में, मल्टीप्लेयर में हर कोई अपनी वैल्यू को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है। तो अब आप मुझे बताएं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर प्लेयर 2 की बारी है तो प्लेयर 2 किन किन नोड्स को चूज करेगा? प्लेयर 2 अपनी वैल्यूज को देखेगा। क्लियर? ये देखें, और जाहिर सी बात है 3 लेवल का गेम नहीं होता, बहुत सारे लेवल होते हैं, तो आपको समझाने के लिए हमने सिर्फ 3 लेवल बनाए हुए, अदरवाइज तो लेवल बहुत ज्यादा होते हैं। हमने 3 लेवल इसलिए बनाए हुए कि जल्दी समझ में आ जाए। देखें इज इट क्लियर, इसी तरीके से मेरी जो पावर पॉइंट की स्लाइड है उसमें भी है। ये रहा, ये रहा एग्जांपल। यहां तक कोई सवाल है किसी का? अच्छा आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दिया हुआ है, याद होगा आपको,
असाइनमेंट दिया हुआ ना आप लोगों को एक, उसकी डेडलाइन नेक्स्ट मंडे है, ठीक है, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। हाँ तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड वाले को चूज कर लें, अगर सेम आ जाता है तो फिर आपको डिसीजन तो लेना है ना बेटा। कौन से वाले में कह रहे हो अब्दुल हसीब? कोई और नहीं है दोनों में? तो बेटा वहां पर तो आपने ए के लिए चूज करना है, तो उन्होंने 1 2 6 चूज कर लिया, खत्म हो गई बात। प्लेयर टू के लिए क्या बताया था बेटा? सेकंड वाले जिसकी बारी है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को चूज करेगा, खत्म हो गई बात। और अगर कहीं टाई हो जाए तो फिर आपकी मर्जी, आप लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लें। तो ये आपका मिन मैक्स जो है वो खत्म हो चुका है। अपना आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम CSP। इसका थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, खत्म तो आज नहीं होगा ये पूरा। इसमें एक वर्ड है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि कोई कोई रुकावट हो, कोई चीज हो, हर्डल हो। बेसिकली ये भी सर्चिंग ही प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें होता ये है कि आपको ना कुछ लिमिटेशंस गिवन होती हैं कि यार फर्ज करें मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप ना आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, पूरा टाइम टेबल आपके सामने मौजूद है। मुझे नहीं पता आपके इसमें ये लगा हुआ या नहीं लगा हुआ कि अगर आप मंडे की सुबह एक क्लास ले लेते हैं तो फिर आपको मंडे की सुबह की कोई क्लास अलॉट नहीं होनी चाहिए, ऐसा है या नहीं है? है मौजूद है? फिर वो कोर्स क्यों नहीं होता आपको मंडे की सुबह वाला? कोई और क्लैश आता है ना, वंडरफुल, ठीक है ना, तो उसका मतलब है आपको वो क्लैश शो हो रहा होता है। अब इनिशियली अगर बात करें कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं मंडे की सुबह मुझे 5 कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, तो जैसे ही मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ले लिया तो अब मुझे मंडे की सुबह कोई और कोर्स अलॉट नहीं हो सकता, ऐसा ही है? फर्स्ट करें मैं मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऑफर हो रहा है मंडे की सुबह में, DBMS भी हो रहा है, मुझे ऑड भी हो रहा है, मुझे SCI भी हो रहा है, मुझे मशीन लर्निंग भी हो रहा है। अब मैंने मशीन लर्निंग ले लिया तो इनिशियली मैं 5 में से कुछ भी चूज कर सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने मशीन लर्निंग चूज किया तो मुझे बाकी के चारों कोर्स शो नहीं हो रहे। इसका मतलब है उस जगह पे अब मैं बाकी के चारों कोर्सेज नहीं ले सकता। तो एक कंस्ट्रेंट आ गया, एक कंस्ट्रेंट आ गया। पहले मुझे अलाउ था लेकिन पहले वाले एक्शन की वजह से अब मुझे अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि ओवरऑल मुझे मना है वो चीज, मुझे मेरे पहले एक्शन की वजह से अब चीज वो मना हो गई। आइडिया हो रहा है मेरी बात का? तो कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के अंदर आपके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको वापस लेके आऊंगा। ये एक एग्जांपल है, ये ना मैप है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया की स्टेट्स है सारी। इसके अंदर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थर्न है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, तस्मानिया है, ठीक है, 7 है। हमें ये कहा गया कि इसके अंदर आपके पास 7 स्टेट्स हैं। जो भी स्टेट्स होती हैं उनको हम वेरिएबल का नाम करते हैं यहाँ पर, हम उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। मतलब जो भी स्टेट्स होती हैं जिनके अंदर हमें बल्कि पहले तो वेरिएबल बाद में छोड़ेंगे, 7 स्टेट्स हैं हमारे। हमें ये कहा गया है कि इसमें आपको 3 तरह के कलर फिल करने हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। हमें ये कहा गया है कि इसमें 3 तरह के हमें कलर फिल करने हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो 7 स्टेट्स हो गई, 3 तरह के कलर्स हो गए, और हमें कंस्ट्रेंट ये बताया गया है, मतलब हमें लिमिटेशन क्या बताई है, रिस्ट्रिक्शन ये बताइए कि जो दो एडजेसेंट है उनमें सेम कलर नहीं होना चाहिए।
मतलब जो दो स्टेट्स हैं एडजेसेंट उनमें सेम कलर नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट का मतलब होता है जिनका बॉर्डर मिल रहा है। तो अगर फर्ज करें, इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली मुझे सब कुछ अलाउ है, लेकिन जैसे जैसे मैं एक्शन परफॉर्म करता रहूंगा तो मेरी लिमिट्स की वजह से मेरे पास कोई चीजें अलाउ होंगी, कोई चीजें अलाउ नहीं होंगी। तो यहां पर इस प्रॉब्लम में सबसे पहले कुछ हर टॉपिक में कुछ ना कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पर एक चीज है वेरिएबल। वेरिएबल वो चीज होती है कि जिसके अंदर हमें वैल्यूज फिल करनी होती हैं। जैसे टाइम टेबल की बात करें तो स्लॉट्स, मंडे का सुबह का स्लॉट, दोपहर का स्लॉट, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 10 स्लॉट आ रहे होते हैं हमारे पास, ये वेरिएबल्स कहलाएंगे हमारे। क्लियर हो गई बात? टाइम टेबल शेड्यूलिंग में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से डोमेन्स, डोमेन्स क्या होंगी? वो वैल्यूज जो फिल करनी है, जिनके अंदर फिल करना है वो वेरिएबल है, वो वेरिएबल है, और वो वैल्यूज जो फिल करनी है वो डोमेन्स कहलाती है। डोमेन्स क्या है? वो वैल्यूज जिनके अंदर फिल करना है वो वेरिएबल। और कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो आपको गिवन होते हैं कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो गया, और एक से ज्यादा हो सकते हैं और एक से ज्यादा तरीके के हो सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है एडजेसेंट रीजन्स मस्ट हैव डिफरेंट कलर्स। मतलब क्या है? अब इसको लिखने का तरीका है, आपको ये बता दिया, अब इसके अंदर कितने कंस्ट्रेंट है वो आप खुद निकाल लें। जैसे हमने लिखा हुआ है डब्ल्यू ए इज नॉट इक्वल टू एन टी, डब्ल्यू ए इज नॉट इक्वल टू एन टी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप वैसे बताना चाहें वैसे बता दें, अदरवाइज क्या लिखा हुआ है इन्होंने, डब्ल्यू ए कॉमा एन टी, इसके जो वैल्यूज हैं वो इन छह में से हो सकती हैं। डब्ल्यू ए की वैल्यू रेड हो सकती है तो एन टी की वैल्यू ग्रीन हो सकती है, वो रेड हो सकता है तो वो ब्लू, वो ग्रीन, वो रेड, दोनों रेड नहीं हो सकते, दोनों ग्रीन नहीं हो सकते, दोनों ब्लू नहीं हो सकते। आइडिया हो रहा है आपको इस प्रॉब्लम का कि क्या चीज हो रही है? आइडिया हो रहा है थोड़ा सा? अब इसको सॉल्व करने का भी अपना तरीका है, जाहिर सी बात है हर प्रॉब्लम का अलग होता है। तो ये जो चीज है जो मैंने आपको बताई है, स्टेट जो होती है उनको डिफाइन करते हैं वेरिएबल से, और वैल्यूज होती हैं, और वैल्यूज जो होती हैं वो डोमेन्स होती हैं डी आई। तो स्टेट जो है वो वेरिएबल्स हैं और वैल्यूज जो है वो डोमेन्स हैं। गोल टेस्ट इसमें ये होता है कि आप कंस्टेंट देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। बहुत सारी एग्जाम्पल है इसकी, मैं बताऊंगा अभी आपको। जैसे एन क्विन पजल प्रॉब्लम थी, वो भी एक इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है। ये देखें, इस तरीके से आप सारे कंस्ट्रेंट लिखते हैं, तो कंस्ट्रेंट आपके बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ कुछ चीजें मोटिवेशन के लिए। ये देखें, जैसे ये एक प्रॉब्लम है सूडो को, पता होगा आपको, ये असाइनमेंट नहीं है अभी ये, लेकिन ये सूडो को है। तो आपको पता है इसमें क्या होता है इस गेम के अंदर? किसी को पता है? किसी को पता है इस गेम के बारे में? क्या पता है? एक लाइन में वही नंबर ना रिपीट हो, ना कॉलम में वो नंबर रिपीट हो, ना रॉ में वो नंबर रिपीट हो, और ना स्क्वायर बॉक्स के अंदर हो 3x3। जी बिल्कुल अब्दुल नसीम, देखें इस पूरे कॉलम में वो नंबर रिपीट ना हो, इस पूरे में, इस पूरी रॉ में ना हो, और ना इस बॉक्स में हो, ये वो गेम होता है। तो इसमें अगर मैं आपसे कंस्ट्रेंट पूछूं तो इसमें कंस्ट्रेंट बहुत सारे हैं। पहला कंस्ट्रेंट क्या है कि अगर मैं एक रॉ की बात करूं तो रॉ ए में कोई सारे नंबर अलग होने चाहिए, ऑल डिफरेंट। सही कह रहा हूं गलत? इस पूरी रॉ के अंदर ऑल डिफरेंट, इस पूरे कॉलम के अंदर ऑल डिफरेंट, और ये A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ऑल डिफरेंट। ये देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स जो है, अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो कंस्ट्रेंट्स ये होते हैं। तो मैं अभी आपको खैर मोटिवेशन के लिए बता रहा था, इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल है। अब फर्ज कर लें कि हम इसमें मोर डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं, हम प्रैक्टिकल तो भी थोड़ी देर में करते हैं इसका। एन असाइनमेंट दैट डज नॉट वायलेट एनी कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट और लीगल असाइनमेंट।
असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि आपने किसी को कोई वैल्यू असाइन कर दी। असाइनमेंट क्या है? आपने किसी भी स्टेट को, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दी, तो वो वैल्यू जो आपने असाइन की है वो वैल्यू कंसिस्टेंट या लीगल असाइनमेंट कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? वो तब कहलाएगी जब कोई भी कंडीशन वायलेट ना हो रही हो, कोई भी कंस्टेंट वायलेट ना हो रहा हो। क्लियर हो गई बात कि कंसिस्टेंट या लीगल असाइनमेंट क्या कहलाता है? सिंगल असाइनमेंट की बात कर रहा हूं, अगर उस असाइनमेंट में कोई भी कंडीशन इनवैलिड ना हो, लीगल हो सारी, तो वो कहलाता है कंसिस्टेंट असाइनमेंट। और एक ऐसा एवरी वेरिएबल इज असाइन, मतलब एक ऐसा असाइनमेंट जिसके अंदर तमाम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी गई हो, वो कहलाएगा कंप्लीट असाइनमेंट। क्या कहलाएगा? कंप्लीट असाइनमेंट। एक ऐसी प्रॉब्लम लीगल, सर मींस लीगल का मतलब ये होता है कानूनी, वैलिड। आपने एक वक्त में एक कोर्स दिया है मुझे, उस वक्त में दूसरा कोर्स नहीं दिया है, लीगल असाइनमेंट है। अच्छा, सीएसपी का जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट भी होना चाहिए और कंप्लीट भी होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? सारी वैल्यूज सही हो और सब वैल्यूज होनी भी चाहिए। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया? सारी वैल्यूज होनी चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? कि सारी वैल्यू सही भी होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? और पार्शियल असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि पार्शियल असाइनमेंट इज वन दैट असाइन वैल्यूज टू ओनली सम ऑफ द वेरिएबल। नाम से समझ में आ रहा है कि तमाम वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन नहीं की हुई होती। जैसे देखें, ये एक सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन अचीव कैसे होता है, हमें इसकी तरफ जाना है। और जाहिर सी बात है, हमारे लिए ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम सिर्फ इसी प्रॉब्लम को करते रहे। आई होप कि आप लोगों ने लैब में भी किया होगा ये। जी, लैब में किया ये? अच्छा, कौन से वीक में किया था बेटा? बेटा बाकी सबसे भी पूछ रहा हूं, तो क्या होता है लैब में इस टॉपिक का, मतलब एग्जैक्टली क्या किया था आप लोगों ने? बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? तो मैंने कुछ पूछा है ना, उसका जवाब भी दे दें। हो गया था कोड? कौन कौन से पजल किए थे? आइंस्टाइन पजल किया था? अरे, प्रोलॉग से कोड तो किया था, सवाल कौन सा किया था? कोई प्रॉब्लम सॉल्व की होगी ना? कोड कब करते हैं? जब कोई प्रॉब्लम होती है तो। कुछ और किया होगा तो बता दें क्या किया था, ये पूछ रहा हूं बेटा। सही है। अच्छा, खैर, तो देखिए, ये एक सॉल्यूशन है। अभी सॉल्यूशन को आप अचीव कैसे कर सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन एक दो चीजें और देख लें कि बाइनरी सीएसपी क्या होता है।
अब गौर से देखिएगा और ये बताइएगा मुझे ये बात समझ में आई या नहीं आई। बाइनरी कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम वो होती है कि ईच कंस्ट्रेंट रिलेट टू वेरिएबल। मतलब क्या है, इस एग्जांपल को देखें जो आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है। बाइनरी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि हर वेरिएबल जो है, हर कंस्ट्रेंट जो होता है वो रिलेट कर रहा होता है दो वेरिएबल को, हर कंस्ट्रेंट दो वेरिएबल को रिलेट कर रहा होता है। तो देखें ये हमारी जो एग्जांपल है, बताएं बाइनरी सीएसपी है या नहीं है। जितना मैंने बताया ना उसको सोचते हुए बताइए क्या ये हमारी एग्जांपल बाइनरी सीएसपी है या नहीं है। जी हर कंस्ट्रेंट दो वेरिएबल को रिलेट कर रहा होता है, बिल्कुल है। ठीक है, ये देखें अगर हम ग्राफ को देख लें जो हमने बनाया हुआ है, नोड्स वेरिएबल हैं और आर कंस्ट्रेंट है, तो ये देखें ये सिर्फ दो के दरमियान में कनेक्शन है, इसका भी दो के दरमियान में, दो के दरमियान में, तो ये हमारी बाइनरी कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम भी है। अच्छा यूनरी कंस्ट्रेंट, बाइनरी कंस्ट्रेंट और हायर कंस्ट्रेंट क्या होता है, हायर ऑर्डर। यूनरी कंस्ट्रेंट क्या होता है कि सिर्फ सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा था, मतलब वेरिएबल ना किसी और वेरिएबल से कंपेयर नहीं हो रहा होता, सिंगल वेरिएबल कंपेयर हो रहा होता है किसी वैल्यू से। मतलब मैंने कह दिया कि साउथर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो ग्रीन नहीं हो सकता, ये बाइनरी, ये सिंगल वेरिएबल है तो ये कहलाएगा यूनरी कंस्ट्रेंट, क्योंकि वो वेरिएबल किसी वैल्यू से कंपेयर हो रहा है। मैंने कह दिया भाई इस वक्त मैं ये क्लास नहीं ले सकता, बस मैंने ये नहीं बोला कि मैं इस टाइम में उस टाइम के खिलाफ नहीं ले सकता या मैं किसी और से कंपेयर कर रहा हूं। मैंने अपने आप को सिंगल, मतलब ये देखें साउथर्न ऑस्ट्रेलिया को मैंने कह दिया ग्रीन नहीं हो सकता तो ये कहलाएगा यूनरी। इसी तरीके से बाइनरी कंस्ट्रेंट क्या होता है, जिसमें दो पेयर, मतलब पेयर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हो। मैंने कह दिया साउथर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बराबर नहीं हो सकता, तो साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आ सकती हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं हो सकती। और हायर ऑर्डर क्या है कि ये अब मैं आपको बताता हूँ कि जिसमें दो से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हो, एन क्वीन पजल प्रॉब्लम हो गई, क्रिप्टोग्राफी का आप कोर्स पढ़ रहे होंगे, उसमें आपने कुछ साइफर वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पर भी ये चीज हो रही होती है। वो कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है, मतलब कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम की बहुत एग्जांपल है कि आप टाइम टेबल बनाते हुए कर सकते हैं काम, कि कौन सी क्लास किस रूम में ऑफर हो रही है, किस टाइम पे हो रही है, कौन सा कोर्स कौन पढ़ाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो सकती हैं, फ्लाइट का शेड्यूल हो सकता है, फैक्ट्री की शेड्यूलिंग हो सकती है, और जो भी रियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होती है उसमें रियल वैल्यूज आ रही होती हैं। ये तो हम आपको सिर्फ समझाने के लिए कलर वलर की एग्जांपल समझा रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी ये बात कही है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो होती हैं वो टू आई प्रॉब्लम नहीं होती है, टू आई प्रॉब्लम कहलाती हैं जो हम लोग क्लास में कर रहे होते हैं। तो यहाँ मैं इसका आपको आइडिया देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। फिलहाल ये मीटिंग एंड हो रही है तो हम लोग थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं।